जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज ही के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। शुक्रवार को इन जवानों की शहादत को लेकर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी तरह बाड़मेर में भी थार के वीर की ओर से शहीद सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब आतंकवादियों ने वीर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें देश ने 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। एक साल हो गया है इस दुखद घटना को, लेकिन आज भी दिलों में पुलवामा हमले का दर्द मौजूद है। शुक्रवार को देश भर की तरह सरहदी बाड़मेर में भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर टीम थार के वीर ने शहीद सर्किल पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित कर देश के जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की शहादत को शुक्रवार को देश भर में विभिन्न आयोजनों के जरिए याद किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर टीम थार के वीर ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में टीम थार के वीर में रघुवीर सिंह तामलोर, प्रेमाराम भादू, इंद्र प्रकाश पुरोहित, छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र जाखड़, अशोक राज पुरोहित, कैलाश भाम, अबरार मोहम्मद, टीकम सिंह, अजय नाथ, हरीश जांगीड़, दिनेश गोदारा, अचलाराम माली, नरपत सिंह कुटड़ा, भवानी गर्ग, प्रवीण सिंह, निखिल जैन, नरेंद्र तामलोर, अनूप सिंह, किशोर गोदारा, सुखदेव सोनी, रमेश कुंकना, सवाई सोलंकी, मूलाराम माली, हरीश बेनीवाल, एडवोकेट मुकेश जैन, के कामरेड समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।